गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 5 हमारा था मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीखेंगे टू डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर बाय टू डिजिट नंबर। हमने अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा कि टू डिजिट थ्री डिजिट के नंबर्स को या फोर डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट के नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आज हम आगे क्या सीखेंगे, टू डिजिट के नंबर को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 24 को 12 से, मल्टीप्लाई 24 बाय 12, दोनों नंबर हमारे टू डिजिट के हैं, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। अब 24 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 में 2 जो है वो वंस के प्लेस पर है और 1 जो है वो 10 के प्लेस पे है। ये चीज़ हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी प्लेस कहाँ पर है। अब सबसे पहले हम वंस के प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम अगर इस वन को हाइड कर लें तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, तो हम उसी तरह से वर्क करेंगे। अब हमने यहाँ क्या देखा, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 2 4 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 2 2 4। अगर हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 वंस के प्लेस पे था तो उसका आंसर 1 के प्लेस पर आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 10 के प्लेस में था, इसका आंसर 10 के प्लेस में आया। अब ये काम करने के बाद जब हम नेक्स्ट नंबर 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वंस देख रहे हैं कहाँ पर है, टेंस पर है, यानी कि 1 10 से हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि वंस की प्लेस कहाँ है, टेंस पर है, इसलिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टेन से स्टार्ट होगा। डैट मीन्स कि वंस के प्लेस पे हम पहले क्या पुट कर देंगे, 0। अब 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 4 ज़ा क्या आएगा, 4, और फिर 1 2 ज़ा क्या आएगा, 2। अब हमने दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 में 0 ऐड किया क्या मिलेगा हमें, 8, 4 में 4 ऐड किया क्या मिलेगा, 8, और 2 सिंगल नंबर है तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, इसे हमने ऐड किया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस 0 की जगह हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ एक जैसी हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई 56 बाय 14, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट से हमने प्लेस लिख लिए, वंस, टेन, हंड्रेड, हम थाउजेंड्स भी आगे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर फोर डिजिट में भी नंबर आ सकता है। अब हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे प्लेस किया 56 और 14, तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों नंबर हमारे टू डिजिट के हैं, 6 वंस के प्लेस पर है, 5 टेंस के प्लेस में, इसी तरह 4 वंस के प्लेस पर है और 1 टेंस के प्लेस पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो 4 6 ज़ा 24 का 4 कैरी के कितने आएंगे, 2, अब 4 5 ज़ा 20 20 एंड 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 22। अब वंस जो है वो टेंस के, 1 जो है वो 10 के प्लेस पर है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे 0 प्लेस करेंगे, फिर 1 6 ज़ा 6 एंड 1 5 ज़ा 5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4,
सिक्स में टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एट, और फाइव में टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेवन। तो आंसर क्या आ गया, 784। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में सेम वही चीज़ है कि टू डिजिट के नंबर को टू डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसमें से हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, बाकी इट्सेल्फ अपने आप करेंगे। जैसे फर्स्ट वन, 8 5 40 का 0, कैरी के 4, 8 6 48, 48 and 4 कितने हो जाएंगे, 52। अब 2 टेंस के प्लेस पर है, इसलिए वंस के प्लेस पर हमने 0 रखा। 2 5 10 का 0, कैरी के क्या आ जाएंगे, अब 1। अब ये 4 हमें काउंट नहीं करने हैं। 2 6 12 12 and 1 13। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 5 में 3 ऐड किया 8 and 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1820। अब हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं, लास्ट वन वाला करते हैं, ठीक है। 66 को मल्टीप्लाई करना है 47 से, तो पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 7 6 42 का 2, कैरी के 4, 7 6 42 and 4 46। अब 4 टेंस के प्लेस पर है, इसलिए वंस के प्लेस पर 0 हमने पुट किया। 4 6 24 का 4, कैरी के 2। अब इस वाले 4 को हमने काउंट नहीं करना है। 4 6 24 24 and 2 26। अब इन्हें हमें ऐड करना है, 2 में 0 ऐड किया 2, 10 में 6 में 4 ऐड किया 10, 10 का 0, अब यहाँ पर कैरी के 1 चले जाएंगे। 1 में 4 ऐड किया 5, 5 में 6 ऐड किया 11, 11 का 1, फिर से कैरी के 1 चले जाएंगे। 1 में 2 ऐड किया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3102। यानी कि हमने जब मल्टीप्लाई करने हैं तो उसके कैरी हमने यहाँ ऊपर लिखने हैं, और जब एडिशन करने हैं तो उसके कैरी जैसे हम एडिशन में रखते हैं वैसे रख के उसे ऐड कर देंगे। अब हम प्रॉब्लम सम्स को समझेंगे। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज ₹35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg पोटैटोज। यहाँ पर 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 35, और कॉस्ट किस में होती है, रुपीज़ में होती है, इसलिए हम उसकी यूनिट जरूर साथ में लिखेंगे। तो 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है, ₹35, और हमें फाइंड करना है 18 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमें ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सम्स है। इसे लिखेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज ₹35, कॉस्ट ऑफ 18 kg पोटैटो इज इक्वल टू ₹35 × 18। पहले हम 35 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 40 का 0, कैरी के 4, 8 3 24 and 4 28। अब वंस 1 जो है वो 10 के प्लेस पे, इसलिए क्या हुआ, वंस के प्लेस पे 0 आ गया। 1 5 5, 1 3 3, अब इसे ऐड कर देंगे। 0 में 0 ऐड किया 0, 8 में 5 ऐड किया 13 का 3, कैरी के 1, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिख देंगे, ₹630। और लैंग्वेज में आंसर कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 18 kg पोटैटो आर ₹630। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सम, अ फ्लावर गार्लैंड हैज़ 21 फ्लावर्स। अगर हम एक फ्लावर की अगर हम माला बनाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं, तो कितने फ्लावर हमें ज़रूरत होते हैं, 21 फ्लावर्स की नीड होती है। हाउ मैनी फ्लावर्स
आर देयर इन 42 सच गारलैंड्स। अगर हमें 42 गारलैंड्स बनाने हैं तो हमें कितने फ्लावर की नीड होगी ये हमें बताना है। नंबर ऑफ अ फ्लावर्स इन वन गारलैंड इज इक्वल टू 21। नंबर ऑफ अ फ्लावर इन 42 गारलैंड्स इज इक्वल टू 21 इंटू 42। अब 21 को 42 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2 ones are 2, 2 twos are 4। अब 4 जो है हमारे टेंस के प्लेस पे, इसलिए 1 के प्लेस पे हमने 0 पुट किया। 4 ones are 4, 4 twos are 8, और इसे ऐड कर लिया हमने, 2 में 0 ऐड किया 2, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 के साथ कुछ भी नहीं है तो 8 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 882। लैंग्वेज में आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 882 फ्लावर्स इन 42 सच गारलैंड्स। थैंक यू बेटा।